एस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी ऐसे में एक और जानकारी जो है एक और लेटर जो है गवर्नमेंट आईटीआई में मेरे आया है एस एग्जाम से रिलेटेड आज इस वीडियो के माध्यम से उसी लेटर के बारे में पूरी चर्चा आप सभी छात्रों से करूंगा तो जो छात्र एस एग्जाम का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए लेटर महत्वपूर्ण है और लेटर जो है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है जो भी आई आई कर रहे हैं बच्चे या फिर जो आई टी आई कंप्लीट कर रहे हैं कर लिए हैं दोनों बच्चों के लिए मैं जो है कुछ ना कुछ अपडेट चैनल पर लाता रहता हूँ जॉब के रिगार्डिंग आई टी आई के रिगार्डिंग एग्जाम के रिगार्डिंग सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं जो एस सी बी टी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं जो है चैनल पर जाएंगे प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको जो है इंप्लायिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राॅइंग इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसको आप लोग देख लीजिए उससे आप लोग जो है तैयारी करते रहिए आशा करते हैं आप लोग तैयारी भरपूर रखेंगे और जो, जो भी एस की जो एग्जाम है उसकी भी जानकारी जो है वो समय समय पर मैं अपने जो है चैनल पर अपडेट करता रहूंगा जैसे ही सरकार से कोई नोटिस आता है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रेसक में आदिशास निदेशक राज्य व्यवसाय परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज द्वारा जो है वो सभी को लेटर लिखा गया है समस्त संयुक्त निदेशक को लिखा गया है और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जो है प्रधानाचार्य को लेटर लिखा गया है अब इसमें मेन बात क्या है मेन बात यह है कि जो एन पाठ्यक्रम में अंतर्गत जो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम के प्रशिक्षार्थी हैं एस पोर्टल पर अलाउ करने और उनका जो है परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में जो है वो लेटर लिखा गया है आपको एक लेटर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि पाँच सेप्टेम्बर से लेकर बारह सेप्टम्बर तक जो है वो फ़ीस जमा हो रही है एस की और अपने कॉलेज में आप लोग जो है जमा करेंगे खुद से जमा नहीं कर सकते हैं कॉलेज में जमा करेंगे कॉलेज वाले जो हैं वो एससीबीटी पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करेंगे जिसकी डेट जो है वो 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर थी पर काफी संख्या कम है काफी जो है पंजीकृत जितने हैं उसके अपेक्षा जो है वो वहाँ पर जितने बच्चे अलाउ किए गए हैं फीस के लिए उनकी संख्या कम है इसको ध्यान में रखते हुए ये जो फीस भरने की लास्ट डेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है तो 22 तारीख से लेके 22 सितंबर 2022 से लेके छब्बीस सेप्टेंबर दो हज़ार तक रात के बारह बजे तक पोर्टल फिर से खोल दिया गया है तो जिन छात्रों ने एस एग्ज़ाम की फ़ीस पे नहीं की है उन छात्रों के लिए एक मौका और है अगर आप लोग पिछली बार जो है वो 12 छः पाँच सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में फ़ीस नहीं भर पाए थे तो अब लोग आप लोग जो है वो 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में अपने कॉलेज में जाकर फ़ीस जमा कर दीजिए और वहाँ पर पोर्टल खुल गया आप लोगों की फ़ीस फिर से जमा हो जाएगी आशा करते हैं जो एस के बच्चे जो फीस जमा नहीं कर पाए थे उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है और एक लेटर और ये आया है तो इसका मतलब यह है कि एस जो है वो एग्जाम कराने की जो है पूरी पूरी तैयारी में है हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से ही आप लोगों के जो है एग्जाम शुरू हो जाएं फिलहाल एग्जाम का जैसे ही कोई अपडेट आता है कोई लेटर आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा आज के इस वीडियो में यही जानकारी थी कि जो एस के बच्चे फ़ीस जमा करने को रह गए हैं तो बाईस सेप्टेम्बर से लेकर छब्बीस सेप्टेम्बर ले के बीच में पोर्टल फिर से खोल दिया गया है और आप लोग जो है अपने कॉलेज में जाके फ़ीस जमा कर सकते हैं इसके बाद जो है आपको मौका मिलना मुश्किल है तो जो छात्र रह गए हैं जो मौका मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अपनी फ़ीस जमा कर दीजिए और आपके एग्जाम की जैसी कोई सूचना आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सूचित करूंगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद